रामपुर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जैसे कि रामपुर में एक है गांधी समाधि, जो कि सिर्फ दो ही है पहले नंबर पर, जो न्यू दिल्ली में है, जहाँ पर गांधी जी की जो अस्थियाँ रखी हुई हैं, तो वो एक दिल्ली में है। दूसरी अगर बात आती है तो वो है गांधी समाधि रामपुर की, इसमें भी गांधी जी की जो अस्थियाँ रखी हुई हैं। और फिर दूसरी है, इसके बाद आती है रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी, ये एशिया की दूसरी नंबर वन नहीं, और ये एशिया की सबसे प्रसिद्ध लाइब्रेरियों में एक लाइब्रेरी है, क्योंकि इसमें इतिहास से रिलेटेड जो हैं बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, पंडुलिपियाँ हैं और इतिहास लिखा हुआ है, बुकें हैं, हिस्टोरिकल है और बहुत सारी चीज़ हैं। और आज मैं आपको जाऊँगा तो इसके अंदर का दिखाऊँगा। रामपुर भी बहुत फेमस है और आज़म खान से तो है ही, लेकिन हिस्टोरिकल जो है को लेकर भी रामपुर जो है काफ़ी फेमस। यह है कुछ इसका बाहर का व्यू, जो आप जो है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये। और इंट्रेंस गेट ये रहा, इंट्रेंस एग्जिट दोनों इस तरफ है, और ये इसका है, अभी मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं। और ये जो है मतलब पार्क का है, तो आप इसमें जो है बैठ भी सकते हैं थोड़ा। और ये है इसका फव्वारा, पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये जो है मतलब फव्वारा, ये इसमें पानी चलता है फ़िलहाल, अभी ये जो है बंद है। और इसके फ्रंट में भी जो है ये लाइब्रेरी आ जाती है। और ये पहले का, और इसके आगे चल के जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ पहले के ये कमरे समरे हैं ये सारे, ये जो है ये इसका बाहर वाला गेट ये है। और ये इसकी दीवार है जो काफ़ी मोटी है, यहाँ से बाहर से देखने में ये कमरे टाइप की लग रही है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। ये है इसकी सीढ़ियाँ, ये जो है इसका बाहर का व्यू है। इसके पास में ही राम मनोहर लोहिया मंच है, तो वहाँ से ये देखने कुछ इस तरीके का मिलता है। और ये मतलब काफ़ी लंबी है, ये है आपको उसके बारे में बताएंगे। तो जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।